So what we will learn today in bookkeeping is endorsed bill honored. मैं क्वेश्चन पहले ही आप लोगों को बता देता हूं. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एंडोर्स्ड बिल हॉनर्ड. मतलब होगा क्या, वही ए ने बी को गुड्स बेचा, ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया, एक व्यवहार खत्म. वैसा ए ने सी से गुड्स खरीदा, ए ने सी से गुड्स खरीदा और बिल देने का बदले, उसने एक्सेप्ट करने के बदले ये जो बी का बिल था वो एंडोर्स कर दिया और ड्यू डेट वाले दिन बी ने सी को पैसा भर दिया. बस ये अभी ए बी और सी का नाम बदल जाएगा और कुछ और नाम आएंगे. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 3. अमर सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 5000 टू अकबर ऑन 1 फरवरी 2002. ही ड्रू अ बिल एट 2 मंथ्स एंड द लेटर एक्सेप्टेड इट. ये वर्ड लेटर नहीं है, ये लेटर वर्ड है. लेटर इंग्लिश मध्ये दोन शब्द असतात. एक असतो फॉर्मर, FORMER, कभी सुना रहेगा तो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री, म्हणजे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उसको फॉर्मर शब्द बोलते. लेटर म्हणजे नंतर येणारा. सो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज मनमोहन सिंग एंड लेटर वॉज नरेंद्र मोदी. तो ये जो है फॉर्मर पहले वाला, लेटर बादने वाला. तो यहाँ पर क्या बोलता है, अमर सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 5000 टू अकबर ऑन 1 फरवरी 2002. तो फॉर्मर हो गया अमर, लेटर हो गया अकबर. ही ड्रू अ 2 मंथ्स बिल एंड द लेटर एक्सेप्टेड इट ऑन 5 फरवरी 2002. अमर परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 5000 फ्रॉम एंथोनी. अमर ने क्या किया, एक और व्यवहार किया, 5000 रुपए का गुड्स एंथोनी नाम के किसी बंदे से खरीद दिया एंड एंडोर्स द अबाव बिल. 5000 देने के बदले उसने बिल एंडोर्स कर दिया. ऑन द ड्यू डेट द बिल इज प्रॉपरली मेट. अब ये शब्द याद रखना, प्रॉपरली मेट. प्रॉपरली मेट म्हणजे हॉनर्ड. प्रॉपरली मेट म्हणजे हॉनर्ड. नोटबुक पेन रहेगा, बाजू में शब्द लिख के रखना. फॉर्मर पहिला नाव, लॅटर नंतर येणारा नाव, प्रॉपरली मेट, हॉनर्ड. कल मैंने डेट ऑफ मॅच्युरिटी शिकाया था, ड्यू डेट. रेकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमर, अकबर अँड अँथोनी. प्रिपेअर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन ईच बुक्स. तो लेट अस स्टार्ट विद द वर्क. क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले ना, जब भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आता है, मैं बोलता हूं दिमाग में ये कोशिश करो कि ये लिखने का जरूरत नहीं, दिस इज टू गो इन योर माइंड. अमर क्या क्या कर रहा है, अमर क्या कर रहा है फ्रेंड्स. सबसे पहले वो सामान बेच रहा है, सेल कर रहा है. किसको सेल कर रहा है, मिस्टर अकबर को. उसके बाद क्या कर रहा है, ही इज ड्रॉइंग अ बिल. He is drawing a bill. ये हो गया पहला व्यवहार. फिर उसने क्या किया, एंथोनी से गुड्स परचेस किया. क्या किया उसने, एंथोनी से गुड्स परचेस किया और वो जो बिल आया था उसने क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया. अब मेरे को बताओ, सोच समझ कर बताना मेरे दोस्तों, ड्यू डेट वाले दिन कौन किसको पैसा देगा. अपने एग्जाम्पल में वापिस एक बार ध्यान से देख लेना और मुझे बताना, ड्यू डेट वाले दिन हु विल पे टू हुम. चैट बॉक्स में लिख के बताओ. व्हेन द बिल इज हॉनर्ड. अभी इधर बी और सी नहीं है मेरे दोस्तों. अमर एंथोनी को देगा, अमर कैसे पे करेगा रे, अमर ड्रॉई नहीं है, घाई मत करो. यस, नाउ द आंसर्स आर करेक्ट. अकबर विल पे टू एंथोनी. आप स्टोरी में रहो, स्टोरी भूलो मत. अमर ने बिल एंथोनी को दिया. अब ड्यू डेट वाले दिन एंथोनी इज द होल्डर ऑफ द बिल. एंथोनी जाएगा अकबर के पास, बिल देगा, पैसा लेगा.
सो अकबर विल पे टू एंथोनी ऑन द ड्यू डेट। तो क्या अमर के बुक्स में हॉनर का जर्नल एंट्री आएगा क्या? वेरी सिंपल, नहीं आएगा, बिकॉज ही इज नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। यस, वेरी गुड, आई एम हैप्पी दैट एवरीवन इज द रॉन्ग आंसर दिया, तो घबराओ मत, इट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज रॉन्ग करोगे तो ज्यादा सीखोगे, ये एक फॉर्मूला भी है, बट हमेशा रॉन्ग मत करना जानबूझकर। चलो लेट अस प्रोसीड फर्दर, नेक्स्ट इज मिस्टर अकबर। कौन आता है अगला? अकबर। अकबर ने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया? सबसे पहला उसने क्या किया, सामान खरीदा, किससे? अमर से। फिर क्या किया उसने, बिल एक्सेप्ट किया, जब एंडोर्समेंट और अमर और एंथोनी के बीच में व्यवहार हो रहा था, परचेज और एंडोर्समेंट, अकबर उसमें कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं था। ड्यू डेट वाले दिन जब एंथोनी बिल लेके आएगा, अकबर उसको पैसा देगा, इसको हम लोग बोलते हॉनर ऑफ बिल। क्या बोलते इसको हम लोग? हॉनर ऑफ बिल। अगर मैंने आपको ये दो सिखाया, फ्रेंड्स आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक एंड राइट इन द चैट बॉक्स वॉट ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ एंथोनी। सोच के लिखना, घाई नहीं है मुझे। व्हाट ट्रांजैक्शंस, जैसे मैंने लिखा, सेल, बिल्ड्रॉन, परचेज, ये सब दो ही एंट्री आएगा अनीता, सेल और ऑनर। ऑनर कैसे होएगा? पहला बिल मिलेगा ना उसको, एंडोर्स किया हुआ बिल मिलेगा, तो कौन सा एंट्री आएगा? सिर्फ सेल्स और एंडोर्समेंट। सेल का एंट्री आएगा, एंडोर्स का एंट्री आएगा, और ड्यू डेट वाले दिन पैसा मिलेगा तो उसका हॉनर का भी एंट्री आएगा। सो हाउ मेनी एंट्रीज विल बी पास? थ्री। फिर से मैं बता रहा, हम लोग भले ही 3 पेज में बनाते हैं मेरे दोस्तों, वास्तविक दुनिया में ये 3 अलग-अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन में हो सकते हैं। हो सकता है मिस्टर अमर जो है बॉम्बे में रहता हो, मिस्टर अकबर पूना में रहता हो, और मिस्टर एंथोनी चेन्नई में रहता हो। देश के कोई भी कोने में वो लोग रह सकते हैं, इसीलिए कोई साथ में लिखने वाला नहीं, बट हम लोग पढ़ाई करते वक्त साथ। अच्छा, ये काम मैं वापस बता रहा हूँ, ये अपने लिए है, एग्जाम में ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मैं कुछ सिंपल सिंपल टिप्स दूंगा कि कैसे याद करने का, कुछ लोगों को कैसे लिखने का, सर कब क्या आएगा मालूम है, एंट्रीज तो सब आता है लेकिन किधर क्या लिखूं समझ में नहीं आता है, उसके लिए मैं कुछ शॉर्टकट्स दे रहा हूं। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट विद द वर्क। पहला आएगा इन द बुक्स ऑफ अमर। क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर पासिंग जर्नल एंट्रीज। यस, एज यू ऑल नो बाय दिस टाइम देर आर 5 कॉलम्स विच वी हैव टू प्रिपेयर। अच्छा, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बैच में अभी भी जवाब देने वाले लोग 10% भी नहीं है, यानी अगर मैं 155 लोगों को देख रहा हूं, 15-20 जन का मेरे को जवाब आ रहा है, बाकी लोगों का जवाब नहीं आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली। अंश आयस का इकड़े आस, ऐसा एक एक जन का नाम लेके बोलना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं तो लेक्चर नहीं हो पाएगा। अंश, कॉलिंग फॉर मिस्टर अंश आमरे। अंश आमरे एब्सेंट लगता है। अक्षय, कैन यू कंफर्म? सुबह तो था, सुबह था क्या? ठीक है, हाँ इंग्लिश के लेक्चर में 174 में तो वो भी था। हाँ तो भाग गया रहेगा। February 1st, तो हम लोग एक एक करके वापस समझ लेते हैं अमर क्या क्या एंट्रीज पास करने वाला है, देखने का नहीं। तो सबसे पहला उसने अकबर को सेल किया। अभी मेरे ख्याल से तुम लोगों के दिमाग में जर्नल एंट्री क्लियर होना चालू हो जाएगा। जर्नल एंट्री आएगा,
अकबर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। यस वेरी गुड, यू कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई टेल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जो एंट्रीज मैं पूछूंगा वो बोलते जाना। कितने का सामान बेचा? 5,000। नरेशन लिखने का, बीइंग सोल्ड गुड्स। जो लोग लिख सकते हैं आई एम हैप्पी, बट जस्ट बी केयरफुल, घाई मत करना। फिर अमर ने बिल ड्रॉ किया, अकबर ने उसको एक्सेप्ट किया। याद रख लेना, ऐसे टाइम पर अमर जर्नल एंट्री पास करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू अकबर्स अकाउंट। नरेशन आएगा, बीइंग बिल ड्रॉन। अमाउंट विल बी रुपीज 5,000। फेब्रुअरी 5th, अमर ने एंथोनी नाम के व्यक्ति से गुड्स परचेज किया, तो जर्नल एंट्री आएगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू एंथोनीज अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज। क्वेश्चन पढ़ो नेहा गुप्ता, फेब्रुअरी 5th कहां से आया? क्वेश्चन पढ़ो, वही फेब्रुअरी 5th को हमने एंथोनी को गुड्स, सॉरी गुड्स नहीं, बिल एंडोर्स किया। हम जब हम बोला तो हम लोग अभी अमर है, तो एंट्री आएगा, एंथोनीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग बिल एंडोर्स्ड। नेहा गुप्ता डेट मिला आपको? नेहा गुप्ता डिड यू गेट द डेट? प्लीज रिप्लाई फास्ट। क्वेश्चन देखो, मैंने कल आपको दिया हुआ है ग्रुप में, मैंने ऑलरेडी पीडीएफ फॉरवर्ड किया हुआ है। अनम्यूट करके बोलोगे तो भी चलेगा, सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। ओके फ्रेंड्स, बाय द टाइम शी रिप्लाइज, सवाल उठता है यहाँ पर, बोलो अमर के बुक्स में लेजर अकाउंट क्या क्या आएगा? तो जो व्यक्ति का अकाउंट है वो आएगा, मतलब क्या आएगा, अमर अकाउंट आएगा, एंथोनीज अकाउंट भी आएगा, और इसके अलावा आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सो क्या क्या लेजर अकाउंट बनाना है हमको? 3 लेजर अकाउंट बनाना है, अकबर्स अकाउंट, एंथोनीज अकाउंट एंड बिल्स रिसीवेबल। अभी मैं आप लोगों को लेजर बनाने का काम होमवर्क दूं तो कर पाओगे आप लोग? ओके ठीक है, लेजर कल सिखाया, सेम वैसा ही, नथिंग न्यू, फाइन। आई प्रोसीड फर्दर फ्रेंड्स, इन द बुक्स ऑफ अकबर इफ आई पास जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ अकबर इफ आई पास जर्नल एंट्रीज, अब अकबर के बुक्स में हम लोगों ने दिमाग में पहले ही सोच लिया है, हम लोग 5 जर्नल एंट्री, सॉरी 3 जर्नल एंट्री पास करेंगे। एक परचेज का होगा, एक होगा दैट इज रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल, और एक होगा दैट इज रिलेटेड टू हॉनर ऑफ बिल।
कंप्यूटर में मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तुम लोग ने नहीं करना ऐसा कुछ भी, मतलब नोटबुक में तो पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल फाइन। सो 2000 क्या था उम्र, ईयर 2002 फेब्रुवरी फर्स्ट। हमने हमने मंजे कौन नाउ, अभी हम लोग हो गए अकबर। दिमाग में याद रखने का, अपना कैरेक्टर चेंज करते जाने का। अकबर ने गुड्स खरीदा अमर से, जर्नल एंट्री आएगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अमर्स अकाउंट। क्या जर्नल एंट्री आएगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अमर्स अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज। यस, कितने का गुड्स परचेज किया हमने, 5000। परफेक्ट, फेब्रुवरी 1 तारीख को ही अमर ने बिल ड्रॉ किया, हमने उसको एक्सेप्ट किया, हमारे बुक्स में जर्नल एंट्री आएगा अमर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। Being bill accepted. February 1 तारीख को 2 महीने का बिल ड्रॉ किया, बोला है हम लोगों को द बिल वॉज ड्रॉन एट 2 मंथ्स। बोलो February 1 तारीख को 2 महीने का बिल ड्रॉ किया, ड्यू डेट क्या आएगा। February 1 को 2 महीने का बिल ड्रॉ किया तो फेब्रुवरी के बाद मार्च अप्रैल, तो इट विल बी April 4th। ड्रॉई अकबर अपने बुक्स में जर्नल एंट्री पास करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बीइंग बिल हॉनर्ड। अमाउंट विल बी ₹5000। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, बोलो अकबर अपने बुक्स में क्या क्या लेजर अकाउंट बनाएगा, व्हाट लेजर अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड बाय मिस्टर अकबर, प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ द अकाउंट्स। यस वेरी गुड ईशा मिश्रा, पहला पर्सनल जो नाम रहेगा वो आएगा दैट इज अमर्स अकाउंट, और दूसरा बिल का अकाउंट दैट इज बिल्स पेएबल अकाउंट। परफेक्ट वेरी गुड, समझ में आ रहा है, आई थिंक नाउ थिंक यू आर वेटिंग कंफर्टेबल एवरी डे, ओके सुपर। अच्छा आप लोग जब लिखोगे मेरी बात वापस मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मैंने एक पेज में भले ही दोनों जर्नल कंप्लीट कर लिया, आप लोग ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि आप लेजर ऐसा नोटबुक में ऐसा लिखना मत, आ गया लेजर अकबर अकाउंट कॉमा एंथोनीज अकाउंट कॉमा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट असं लिहायचं नाही, तुम्हाला अकाउंट बनवायचं आहे। हाँ आणि सगळं रेकॉर्डिंग आहे, उद्या तुम्ही सांगितलं सर मला समजलं नाही तर मी हे रेकॉर्डिंग तुमच्या पालकांनाच दाखवणार आहे। सो प्लीज बी व्हेरी केअरफुल, नाही तो बहुत शाणे है, तुम लोग सर को लटका दोगे। इन द बुक्स ऑफ एंथोनी वी आर पासिंग जर्नल एंट्रीज। हाँ बरोबर है रितेश, मैं इतना साल में ये सब सीख लिया है। अच्छा तू ध्रुव है, सब लोग ऐसा नहीं रहते, मैं जब बोलता हूं आई मेक ए वेरी जनरल स्टेटमेंट रिमेम्बर ऑलवेज, उसको पर्सनल नहीं लेने का। और तुमको खुद को मालूम है कि ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। चलो एंथोनी ने क्या किया, एंथोनी ने 3 चीज किया, अमर को गुड्स बेचा,
उससे उसको बिल मिला और ड्यू डेट वाले दिन वो बिल हॉनर हो गया। तो एंटोनी जब अमर से अमर को गुड्स बेचेगा, जर्नल एंट्री बोलेगा अमर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट बीइंग सोल्ड गुड्स। यस, अमाउंट विल बी रुपीज 5,000। परफेक्ट, वेरी नाइस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम रियली वेरी हैप्पी विथ फ्यू ऑफ यू। द ओनली अनफॉर्चुनेट थिंग इज हार्डली 20 पीपल आर रेस्पॉन्डिंग आउट ऑफ 150। सब लोग जिस दिन साथ में करेंगे ना, उस दिन का मजा अलग ही आएगा। अब एंथोनी को जो है बिल मिला, वो बिल उसके लिए ऑफकोर्स आया तो वो रिसीवेबल ही है उसके लिए, क्योंकि उसको अकबर ने एक्सेप्ट किया। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू अमर्स अकाउंट, भले अमर ने एक्सेप्ट नहीं किया हो, बीइंग रिसीव्ड अ बिल, बीइंग रिसीव्ड बिल 5,000 और ड्यू डेट अप्रैल 4 तारीख। इसको पैसा मिलेगा, हॉनर का एंट्री ये पास करेगा, एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। पैसा मिलेगा ना इसको, बीइंग बिल हॉनर्ड। तो जो रिटेन्ड में ए के बुक्स में एंट्री आता था, वही एंट्री अभी सी पास करेगा, मतलब एंथोनी पास करेगा। बताओ मेरे दोस्तों, एंथोनी अपने बुक्स में क्या क्या लेजर अकाउंट बनाएगा? व्हाट लेजर अकाउंट्स विल बी पास्ट? अकबर कहाँ से आया, एंथोनी कहाँ से आया? रे गड़बड़, घाई घाई करू नका, अतीत इते माती। सिर्फ दो अकाउंट आएगा, इधर अकबर का नाम भी नहीं है, एंथोनी अकबर को जानता भी नहीं रहेगा। एक आएगा अमर्स अकाउंट और दूसरा आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। घाई करू नका प्लीज, एंथोनी के बुक्स में एंथोनी का अकाउंट कभी नहीं होगा, एंथोनी के बुक्स में एंथोनी का अकाउंट कभी नहीं आ सकता। एंथोनी बनाएगा अमर्स अकाउंट।